हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान। एडवांस एक्सेल में आज हम सीखेंगे डेटा टेबल का क्या यूज़ होता है और इसमें हम इसका यूज़ भी जो किया जाता है वो मिसिंग वैल्यूज़ को निकालने के लिए किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था गोल सीक, जिसका यूज़ मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं। तो इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ निकालते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। हम अपॉन 100 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है, अगर यहाँ परसेंट नहीं होता तो हम अपॉन 100 करते। तो ये आ गया, देखिए हमारे पास अपॉन 100 हम करते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीपल रेट्स का मतलब ये है कि जैसे कि हमें निकालना है इसे, हम चाहते हैं कि जब ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, जब ये 9% होगा तो कितना आएगा, 10% होगा तो कितना आएगा, 11% होगा तो कितना आएगा, 12% होगा तो कितना आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसे, सबसे पहले जो ये हमने यहाँ पे निकाला है इसे हम इक्वल लगाकर कॉपी कर लेंगे। तो ये एज इट इज वैल्यू हमारी कहाँ पर आ गई, यहाँ पे। फिर से देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लैंक सेल में क्लिक किया हमने यहाँ पर और इसे कॉपी कर लिया। अब हम सिलेक्ट करेंगे दोनों कॉलम्स को, उसके बाद डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। अब डेटा टेबल के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमने कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो हम कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करेंगे और इस रेंज को पास कर देंगे। उसी टाइम सिमुल्टेनियसली, इसे हम ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, उसी टाइम हमें टारगेट किसको सेट करना है, तो हमें रेट चेंज करना है तो रेट का लिंक इसमें डाल देंगे और फाइनली हम ओके कर देंगे। तो देखिए 8% के अकॉर्डिंग 960 आएगा, 9% के अकॉर्डिंग 1080 आएगा, 10% के अकॉर्डिंग 1200 आएगा, 11% के अकॉर्डिंग 1320 आएगा और 12% के अकॉर्डिंग 1450 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जबकि प्रिंसिपल और टाइम इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं, हमने इसे कॉपी किया। अब की बार हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल में चेंज हो, तो प्रिंसिपल में चेंज करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 7000, 8000 और इस तरह से हमारी एक सीरीज बन गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे दोनों सेल्स को, डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। और डेटा टेबल में यहाँ पर देखोगे तो कॉलम इनपुट सेल इसे क्लिक करेंगे, इसमें रेंज को पास कर देंगे और उसके बाद अब की बार हमारा टारगेट क्या था, क्या करना है हमें, पहले हमारा टारगेट था रेट, अब की बार हमने जो टारगेट बनाया वो प्रिंसिपल। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा, तो अगर 7000 होगा तो इतना आएगा सिंपल इंटरेस्ट, 8000 होगा तो इतना, 9000 होगा तो इतना, 10000 होगा तो इतना। और यहाँ से हम ये जो डेसिमल है इसे हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारा डेसिमल में आंसर आ रहा है इसे हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा है, तो ये हमने ऐसे कॉलम में किया, तो इसे रो में भी हम कर सकते हैं। तो रो के लिए हम क्या करते हैं, रो के लिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो रो के लिए हम क्या करेंगे, रो के लिए जैसे हमने सेम वही लगते हैं, इसे हमने क्या किया, कॉपी किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ इसे, क्या कर दिया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए किस पे जाएंगे, पेस्ट के अंदर, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे नीचे दिया है ट्रांसपोज। तो इससे क्या हो गया, ये ऐसे आ गया हमारा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हमें एक चीज़ को फिर से वही
यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे इन दोनों को, रोज को। डेटा में जाएंगे, डेटा टेबल पे जाएंगे, अब की बार रो इनपुट सेल पे क्लिक करेंगे और इस दोनों को पास कर देंगे। उसके बाद जो टारगेट सेट किया गया है, टारगेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए ये हमारा रो के अंदर रिजल्ट आ गया है। सिमिलरली हम इसका भी कर सकते हैं सेम ऐसे ही, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इसे पहले और यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए पे स्पेशल में जाएंगे और पे स्पेशल में क्या करना है हमें, ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद सेम मिलरली हमें क्या करना है, प्रिंसिप जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इसे पेस्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल और इनपुट सेल, रो इनपुट सेल पे क्लिक करेंगे, इसे पास कर देंगे और टारगेट अब की बार हमारा क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो मल्टीपल वैल्यूज हम निकाल सकते हैं ऐसे। तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया है, इसे हम यहाँ से जाकर इसे कम कर सकते हैं। तो ये हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर प्रॉपरली। इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई ओल लेटेस्ट वीडियोज़।